हेलो एवरीवन, सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनेंगे ये डोसे और जो टेस्ट होगा कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये दाल चावल के डोसे नहीं हैं। और आप मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितना क्रिस्पी डोसा है। जिन लोगों को क्रिस्पी डोसे पसंद है और वो भी 5 मिनट में बनने वाले, उनके लिए ये रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, थैंक यू। तो डोसे का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली है सूजी, ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप उसको एक बार ग्राइंड कर लें। और यहाँ पे लिया है 1/4 कप चावल का आटा और अब इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी दही। ये दही 1 कप दही है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा मिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। तो सूजी बहुत पानी पी लेती है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए हम इसको एकदम जैसे कि डोसा बैटर होता है उसी फॉर्म में इसको ले आएंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और उसको अच्छे से मिक्स करते रहें ताकि सूजी और जो हमारा चावल का आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 मिनट में ये बहुत अच्छा सा सेट हो जाएगा, फिर हम इसके डोसे तैयार करेंगे। कभी अचानक से जब डोसे खाने का मन करे तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं और जो टेस्ट है इसका वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि चावल के डोसे नहीं हैं। तो इन डोसों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, ये सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएंगे और बहुत अच्छे डोसे ये तैयार होते हैं। आप एक बार ट्राई करेंगे तो तभी जानेंगे। तो इसी तरह से पूरा बैटर हमने रेडी कर लिया है, इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। तो इसको अच्छे से कर दिया है मिक्स और आप इसको ढक के छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट बाद हम देखेंगे एकदम जो हमारा बैटर है वो एकदम रेडी हो गया है। तो इसको एक बार अच्छे से मिक्स करना है और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा। तो ये 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है और अब इसमें डालना है 1/2 टीस्पून नमक। तो इन दोनों को मिला के अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो उधर मैंने अपना तवा जो गैस पे चढ़ा दिया है वो अच्छे से गर्म हो जाए। डोसा बनाने के लिए जो तवा है वो बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए। सेकंड, जब हम इस पे डोसा डालेंगे तो वो तवा एक बार हमें इसको ठंडा भी करना है। तो सबसे पहले जैसे मेरा तवा ये बहुत गर्म है, इस पे हल्का सा मैंने डाल दिया है ऑयल और इस ऑयल को हम एक बार से टिश्यू पेपर से अच्छे से वाइप कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा तवा है अच्छे से एक बार चिकना हो गया है। अब ये तवा बहुत ज़्यादा गर्म है तो हमें इसको एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है। तो उसके लिए हमें डालना है इसमें थोड़ा सा पानी ताकि हमारा जब डोसा डालें तो वो तवे से अच्छे से चिपक जाए। तो अब हम इस पे डाल देते हैं अपना बैटर, जिसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिया है। अब इसको धीरे धीरे सबसे पहले हमें सेंटर से फैलाना है। सेंटर से फैलाते हुए तब हमें इसको किनारे तक लेके आना है इस तरह से। जब भी डोसा डालें तो तवा ठंडा होना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपका जो डोसा होगा वो तवे से चिपक जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे ऑयल, थोड़ा सा चारों तरफ और थोड़ा सा इसके ऊपर सेंटर में। अब इसको छोड़ दो कम से कम 5-6 मिनट के लिए। जब तक वो ऊपर से लाल ना दिखने लगे तब तक हम इसको नहीं पलटेंगे, उसी से जो डोसा होगा वो हमारा क्रिस्पी बनेगा। तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ और इस समय हमें गैस कर देनी है थोड़ी सी मीडियम, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। आप देख सकते हैं वो देखते ही देखते ऊपर से लाल होने लगा है और डोसा भी नीचे से सिक गया है। अगर आपको स्टफ्ड डोसा तैयार करना है तो आप इसमें आलू का चौका भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने प्लेन डोसे ही तैयार करे हैं आज। तो दूसरे वाला डोसा भी हम सेम उसी तरह से उतार लेंगे। सबसे पहले हमें तवे पे डालना है पानी ताकि तवा थोड़ा सा ठंडा हो जाए।
और ठंडा तवा होगा तो डोसा उस पर अच्छे से चिपकेगा, जिससे कि हमारे डोसे का जो कलर है वो भी अच्छा आएगा और डोसा क्रिस्पी भी बनेगा। तो सेम पहले की तरह हमें धीरे धीरे सबसे पहले सेंटर से लेते हुए इसे साइड तक एकदम फैलाना है। बस अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा ऑयल ऊपर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसके साइड में डाल देंगे। तो इसको ऑयल डालने के बाद हमें फिर से वही सेम 5 से 6 मिनट के लिए इसको सेम ऐसे ही छोड़ देना है, इसको टच नहीं करना है। वो जब साइड से किनारे उसके अलग होने लगेंगे तब हम इस डोसे को पलटेंगे। तो अच्छा सा क्रिस्पी डोसा बनाने का मुझे जो लगता है वो सबसे अच्छा है कि डोसा डाल के छोड़ दो और गैस को आप कम कर दो, तो वो नीचे से अच्छे से जो सिक्के आएगा तो उसमें कलर भी अच्छा आएगा और उसका जो क्रिस्प होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो आप देखिए वो इजीली एकदम खुद से ही अलग हो गया है। थोड़ा सा गर्म है लेकिन मैं हाथ से ही फोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो डोसा जो है बहुत क्रिस्पी तैयार हुआ है, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसको नारियल की चटनी के संग या सांभर संग कैसे भी सर्व करें, इसका टेस्ट जो है बिल्कुल चावल के डोसे की तरह आया है। सुपर क्रिस्पी डोसा तैयार। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।